बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, किसे कहा कैकई और मंत्रा, आइए आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक महीने में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। स्कूल के टाइमिंग को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मानता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी की बात कोई नहीं मानता है। मुख्यमंत्री जी अब ऊब चुके हैं, जनता उनसे ऊब चुकी है, सहयोगी उनसे ऊब चुके हैं। मांझी जी के 4 विधायक हैं, उन्हीं की बदौलत आज वो सरकार में हैं। ये तीसरे नंबर की पार्टी है, इसमें कैकई के साथ मंथरा भी है। इनको बताना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। हम लोगों को आशीर्वाद मिला है और आज से जो है वैशाली जिला है, समस्तीपुर है, मधुबनी, दरभंगा और रात में सुपौल हम लोग रुकेंगे। तो आज से जो कार्यक्रम होगा उसमें केवल यही बदलाव किया गया है कि एमपी न्यूज के लिए बिहार माधेपुरा से ब्यूरो चीफ गुलफराज शेख की रिपोर्ट। चौक चौराहे वो हम लोग करेंगे, ये इसलिए ज्यादा से ज्यादा रैली से पहले, क्योंकि 3 तारीख को रैली है, उससे पहले पूरा बिहार एक ग्राउंड हम लोग घूम लें और लोगों को रैली का निमंत्रण भी दे दें। और क्योंकि जनसभा में समय समय लगता है और जगह जगह जाएंगे रोड शो होते हुए सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। ये जो है हम लोग और हालांकि आज के दिनों में अगर राजनीतिक क्रम अगर आप देखें बिहार में जिस प्रकार से चल रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई अब तक 1 महीने हो गया, 1 महीने में भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है। इससे काम भी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है और वजह तो जो लोग मुख्यमंत्री हैं उनको बताना चाहिए कि एक्सपेंशन क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। और आप देखिएगा कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर के इतनी बार जो है चर्चा चल रही है, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। और ये स्कूल टाइमिंग की बात कब आई, आपको शीतलहर चल रहा था, हम लोग सरकार में थे, कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष कि शीतलहर चल रहा है तो टाइमिंग में बदलाव किया जाए, इससे परेशानी होती है बच्चों को। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब आप समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, कितना गंभीर मामला है ये। और आज तक ऐसा कहीं भी देश में नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल ख़त्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं, अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा, जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं और यही नहीं अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। तो इस तरह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ने वाला, इस तरह से बिहार में विकास संभव नहीं है। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका, और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया, आप देखिएगा भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो 3 नंबर की पार्टी है, भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री, और 4 दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनता। तो मांझी जी ने एक और बात की,
जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था कि केकई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये दो तीन जो केकई, तीन चार जो केकई है वहाँ बैठे हुए, कौन है? और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथरा भी है।